ताई कोट्टारम या मदर पैलेस महल परिसर का सबसे प्राचीन भवन है, जिसे माना जाता है वेनाड के शासक रवि वर्मा कुलशेखरा परमाल द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। इस महल का फर्श क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर का है। ताई कोट्टारम का मुख्य प्रवेश द्वार भवन के दक्षिणी कोने में स्थित दरवाजे से होकर जाता है। यह दरवाजा 45 वर्ग मीटर के एगांध मंडपम में खुलता है, जो प्राचीन काल में धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। विशेष पूजा या प्रार्थनाओं के अवसर पर मंडपम के फर्श को चावल से बने और सज्जित देवी दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं से सजाया जाता था। दीवार का एक छोटा हिस्सा विशेषकर कैजन पत्तों पर लिखे धार्मिक अभिलेखों को भंडारित करने के लिए तैयार किया जाता था। लकड़ी की बनी छत को कमल के रूपांकन वाली नक्काशी से सजाया गया है। इस स्थान की मुख्य विशेषता सुंदर तरीके से बनाए नक्काशीदार स्तंभ हैं, जो पत्थर के आधार पर टिके हैं। सरल आधार और धड़ वाला हिस्सा स्तंभ के ऊपर के अनोखे रूप से नक्काशीदार आधे हिस्से से एकदम विपरीत है, जो गहन प्रतिभा वाले स्थानीय बढ़ईयों की कारीगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 6 फुटा ऊंचा स्तंभ मुख्य शहतीरों को सहारा देती हैं, जिनके नीचे के हिस्से भी आभूषणों से सुंदर रूप से सजाए गए हैं। एगांत मंडपम से निकलने वाला दरवाजा ताई कोट्टारम के पूर्वी हिस्से में खुलता है। इस दो मंजिले महल का अंदर का हिस्सा एक नाल कट्टू में खुलता है, जो एक मध्य आंगन के चारों ओर बने 9 कक्ष से सजा है। यह आंगन पारंपरिक केरल के घरों की एक आम विशेषता है, जो बारीक कटे पत्थर के खंडों से सजा है। भीतरी बरामदा के पश्चिम की ओर एक खुफिया दरवाजा है, जिस पर हो सकता है आपका ध्यान नहीं जाए। दरअसल यह महत्वपूर्ण खुफिया दरवाजा एक प्राचीन बचाव मार्ग है, जो ताई कोट्टारम को एक अन्य महल से जोड़ता है, जिसे चारोड महल के नाम से जाना जाता था, जो अब लुप्त हो चुका है। निचली मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में संकरी सीढ़ियां हैं, जो ऊपर के हवादार भवन को जाती हैं। ऊपरी मंजिल पर स्थित गलियारा ताई कोट्टारम को समीप के प्लामुट्टो कोट्टारम से जोड़ती है, जो शाही परिवार का आवासीय हिस्सा के रूप में अलग रखा गया था। ताई कोट्टारम के पूरब में स्थित एक हॉल है, जिसे चेरिया उटबुरा या छोटे भोजन कक्ष के नाम से जाना जाता है। आप इस ढांचे के उत्तर की ओर आडुक कला या रसोई देख सकते हैं। इनके समीप आपको दर्पकुलम या मुख्य टंकी दिखाई पड़ेगी। टंकी के दक्षिणी और पूर्वी ओर आपको दो कुलपुरा या नहाने के घाट भी दिखाई पड़ेंगे।